हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज में आज हम लॉगर इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। किस तरीके से अपाची लॉग फॉर जे टू को हम एक्लिप्स आईटी में इंटीग्रेट करेंगे, सेटअप करेंगे, किस तरीके से इस एपीआई को यूज करके हम फ्रेमवर्क में इंफॉर्मेशन को लॉग करेंगे, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। सेशन वन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज बीडीडी, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, बीडीडी और टीडीडी में क्या डिफरेंस होता है, कुकम्बर क्या है, गर्किन लैंग्वेज क्या है, और ई कॉमर्स एक वेबसाइट चूज किया था हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, noopcommerce.com। सेशन वन में ही हमने एक्लिप्स आईडी में हमने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और फिर हमने उसमें कुकम्बर एक्लिप्स प्लगइन इंस्टॉल किया था। फिर हमने एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जिसमें हमने कुछ पैकेजेस और कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए थे। फिर सेशन वन में ही हमने जो भी प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज हैं प्रोजेक्ट की, वो सारी हमने form.xml में अपडेट कर दी थी। हमने एक फीचर फाइल क्रिएट किया था लॉग इन टेस्ट फीचर सिनेरियो के लिए। हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया था इस फीचर फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉग इन टेस्ट फीचर फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया था। हमने फिर स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट किया था फीचर फाइल के लिए, जो भी फीचर फाइल में जो भी स्टेप्स थे उन सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट किया था। फिर हमने टेस्ट रनर फाइल क्रिएट किया था फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने फिर एक टेस्ट रिपोर्ट भी जनरेट किया था। ये सारा हमने सेशन वन में किया था। सेशन टू में हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट किया था, जिसके लिए हमने सिनेरियो आउटलाइन कीवर्ड यूज किया था। फिर हमने सेशन टू में ही हमने अलग अलग फॉर्मेट्स में रिपोर्ट जनरेट किए थे, HTML, JSON, XML फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट किया था। फिर हमने एक नया फीचर फाइल भी हमने ऐड किया था एड न्यू कस्टमर के लिए, और इस फीचर फाइल के लिए हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल भी क्रिएट, पेज ऑब्जेक्ट क्लास भी क्रिएट किया था। फिर हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल भी क्रिएट किया था, और इसको हमने एग्जीक्यूट भी किया था टेस्ट रनर फाइल यूज करके run.java। सेशन थ्री में हमने कुछ नए सिनेरियोज और ऐड किए थे कस्टमर डॉट फीचर फाइल में, जिसमें हमने एड न्यू कस्टमर सिनेरियो राइट किया था, उसी सेम फीचर फाइल में हमने कुछ और न्यू सिनेरियोज हमने ऐड किए थे सर्च कस्टमर बाय ईमेल एंड सर्च कस्टमर बाय नेम के लिए। और हमने बैकग्राउंड कीवर्ड क्या होता है, किस तरीके से हम फीचर फाइल में बैकग्राउंड कीवर्ड को हम यूज करते हैं कॉमन और रिपीटिंग स्टेप्स के लिए, ये भी हमने सेशन थ्री में हमने करके देखा था। सेशन फोर में हमने एक बेस क्लास क्रिएट किया था फॉर ऑल कॉमन एंड यूजेबल मेथड्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए, और मल्टीपल फीचर फाइल्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं रनर फाइल में हमने ये डिस्कस किया था। कुकम्बर में टैग्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा था। सेशन फाइव में हमने डिस्कस किया था कि कुकम्बर में हुक्स क्या होते हैं और कितने तरह के हुक्स होते हैं, सिनेरियो हुक, स्टेप्स हुक और कंडीशनल हुक, इन सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा था। और सेशन फाइव में ही हम कैसे फेल टेस्ट सिनेरियोस का हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं हमने ये भी डिस्कस किया था, उसको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा था। तो आज सेशन सिक्स में हम लॉगर इंटीग्रेट करेंगे। इसको कैसे सेटअप करेंगे हम, वो सब हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या 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 हमें प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी चाहिए लॉगर इंप्लीमेंट करने के लिए। लॉगर के लिए हम यूज करेंगे अपाची लॉग फॉर जे का वर्जन 2। तो जो भी सेटअप करना है, हमारी क्या क्या प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज हैं इसको यूज करने के लिए, उन सारी चीजों को हम कॉन्फिगर करेंगे, सेटअप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, किस तरीके से हम इस एपीआई को यूज करके हम लॉग इन्फॉर्मेशन को लॉग करेंगे, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइए लॉगर इंटीग्रेट करने के लिए हम चलते हैं एक्लिप्स आईडी में। एक्लिप्स आईडी हमने ओपन कर लिया, और ये है हमारा प्रोजेक्ट कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट का, जो हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किया है। अब लॉग फॉर जे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। तो लॉग फॉर जे को एक्लिप्स आईडी में कॉन्फ़िगर करने के लिए, एक्लिप्स मेवन प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले डाउनलोड करना है कुछ प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे लॉग फॉर जे कोर की डिपेंडेंसी। तो इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे हम, तो इसको डाउनलोड करेंगे हम मेवन रिपोजिटरी से, वहां से हमें इसकी डिपेंडेंसी को कॉपी करना है। ये है उसका लिंक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है डिपेंडेंसी, तो मैं इसको एज इट इज यहां से कॉपी करके form.xml में ऐड कर लेती हूं। तो ये है हमारा form.xml, और इस डिपेंडेंसी को हमें ऐड करना है डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर।
डिपेंडेंसीज टैग है ना, इस डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हमें लॉग फॉर जे के डिपेंडेंसीज को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे लास्ट में इस डिपेंडेंसी के नीचे मैंने यहाँ पे इस डिपेंडेंसी को पेस्ट कर दिया, लॉग फॉर जे कोर की डिपेंडेंसी। अब लॉग फॉर जे कोर की डिपेंडेंसी के बाद हमें चाहिए लॉग फॉर जे एपीआई की डिपेंडेंसी, तो इसको भी हम मेवन रिपोजिटरी से कॉपी कर लेंगे। ये इसका लिंक है जहां से आपको इसको कॉपी करना है, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी कॉपी की हुई है, तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको pom.xml में पेस्ट कर देती हूँ। क्लियर है हमारी सेकेंड डिपेंडेंसी। पहले अभी हमने कॉपी किया था लॉग फॉर जे कोर की डिपेंडेंसी, इसके बाद हमने कॉपी कर लिया लॉग फॉर जे एपीआई की डिपेंडेंसी। अब नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है एक प्रॉपर्टीज फाइल, लॉग फॉर जे टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, और ये फाइल हमें क्रिएट करना है एसआरसी मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर। ये होनी चाहिए इस फाइल की लोकेशन कि लॉग फॉर जे टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में क्या है। इस फाइल में हमारा सारा कॉन्फिग्रेशन है जो लॉग फॉर जे यूज करेगा, रन टाइम पे जो भी लॉग फॉर जे को कॉन्फिग्रेशन चाहिए वो सारा का सारा कॉन्फिग्रेशन इस प्रॉपर्टी फाइल में स्टोर्ड है। तो हम चलते हैं अपने आईडी में और हमें पहले ये फोल्डर क्रिएट करते हैं एसआरसी मेन रिसोर्स फोल्डर, फिर इस फोल्डर में हम एक प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट करेंगे लॉग फॉर जे टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। तो ये हम आ गए एक्लिप्स आईडी में और यहाँ हम प्रोजेक्ट पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू के बाद सोर्स फोल्डर, और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एसआरसी मेन रिसोर्स फोल्डर एंड फिनिश। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसमें हमें एक प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी मैंने लॉग फॉर जे टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ। राइट क्लिक किया, कॉपी, और इसको हम इस फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं एसआरसी मेन रिसोर्स फोल्डर पे। राइट क्लिक किया एंड पेस्ट, और ये रही हमारी लॉग फॉर जे टू डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। सिलेनियम जावा सीरीज में मैंने डिटेल वीडियो बनाया लॉग फॉर जे टू पे, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब इस फाइल में सबसे पहले हमने क्रिएट किया है एक वेरिएबल कि हमारा हमारे लॉग्स कहाँ स्टोर होंगे। तो हमारे लॉग्स स्टोर होंगे लॉग्स फोल्डर में, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में एक फोल्डर होगा लॉग्स फोल्डर, और उस लॉग्स फोल्डर में हमारे सारे लॉग्स जनरेट होंगे। उसके बाद है अपेंडर्स, तो यहाँ पे हमने दो अपेंडर्स लिए हैं, कॉन्सोल एंड फाइल्स। तो अब हमें समझते हैं कि अपेंडर्स क्या होते हैं। तो अपेंडर्स हमारे लॉग्स का डेस्टिनेशन होता है, तो यहाँ पे हमने दो डेस्टिनेशन चूज किया है, लॉग कॉन्सोल एंड फाइल। तो जो भी हम लॉग जनरेट करेंगे वो हमारे कॉन्सोल पे भी डिस्प्ले होगा और फाइल में भी स्टोर होगा। तो हमारे दो अपेंडर्स हैं, दो डेस्टिनेशन हैं लॉग्स के। तो सबसे पहला अपेंडर है ये हमारा कॉन्सोल, यहाँ पे टाइप में हमने लिखा है कॉन्सोल, नेम में एसटीडी आउट, और यहाँ पे हमने पैटर्न का टाइप लिया है पैटर्न लेआउट, और यहाँ पे है फॉर्मेट जो हमने लिया है ईयर, डेट है ये सारा ईयर मंथ एंड डेट, और उसके बाद है टाइम का फॉर्मेट आर मिनट एंड सेकेंड्स, और उसके बाद है जो भी हमें मैसेज लॉग करना है वो मैसेज यहाँ डिस्प्ले होगा। तो ये हमने फॉर्मेट लिया है कंसोल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अपेंडर है हमारा फाइल का अपेंडर, तो टाइप हो गया फाइल, नेम हो गया लॉग फाइल, और यहाँ पे फाइल में यहाँ पे हमने किस नाम से लॉग जनरेट करना है वो नाम हमने यहाँ पे दिया है। तो लॉग्स फोल्डर में, लॉग्स फोल्डर के अंदर माई लॉग डॉट लॉग्स के नाम से फाइल जनरेट होगी। ये जो वेरिएबल हमने यहाँ क्रिएट किया था ना, वो वेरिएबल हमने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे यूज किया है। तो लॉग्स फोल्डर में माई लॉग्स डॉट लॉग्स के नाम से फाइल जनरेट हो गई। फिर आ गया लेआउट का टाइप, और उसके बाद आ गया पैटर्न, पैटर्न जो कंसोल पे हमने लिया है सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पे फाइल के लिए भी चूज किया है, डेट एंड टाइम, और उसके बाद ये रहा हमारा मैसेज जो भी मैसेज हमें लॉग करना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फिगरेशन है हमारा लेवल का, यहाँ पे जो लेवल है ना ये लेवल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो लेवल का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। अभी तो हमने यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, लेवल में हमने यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, पर पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं लेवल की मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं लेवल की, ठीक है। अगर हम ऑल कर देंगे, अगर हम लेवल में ऑल सेट कर देंगे, तो ऑल के ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं, ट्रेस, डीबग, इन्फो, वार्न, एरर, फैटल, ये सारे के सारे हमारे प्रिंट होंगे। क्योंकि जब हम मैसेज को क्रिएट करेंगे लॉक करने के लिए, जब हम मैसेज को राइट करेंगे, तो वहां पे हम एक लेवल राइट करते हैं कि कौन से लेवल का ये मैसेज है। जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वहां पे एक मैसेज हम राइट करते हैं। तो अगर हमने इन्फो राइट किया है,
अगर हमने इन्फो राइट किया है तो उस मैसेज का जो लेवल है वो इन्फो लेवल का हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ पे लेवल इक्वल्स अगर हमने डीबग राइट किया है, लेवल में हमने अगर डीबग यहाँ पे सेट किया है तो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने लेवल में डीबग सेट किया है तो डीबग के नीचे वाले लेवल्स हमारे कॉन्सोल में या फिर फाइल में राइट नहीं होंगे, क्योंकि ये नीचे के लेवल है। डीबग और डीबग से ऊपर के लेवल ही सिर्फ प्रिंट होंगे या फिर राइट होंगे फाइल में। तो ये मतलब होता है लेवल का। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी आप लेवल सेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको जरूरत नहीं है लॉक करने की तो आप लेवल को ऑफ भी कर सकते हो। आप जो भी लेवल आप यूज करोगे, अगर आप इन्फो यूज करोगे तो इन्फो एंड अबव इन्फो वाले मैसेजेस ही सिर्फ आपके फाइल में राइट होंगे या फिर कंसोल पे प्रिंट होंगे। अगर आप डीबग राइट करोगे लेवल में तो डीबग एंड अबव लेवल वाले मैसेजेस ही आपकी फाइल में राइट होंगे या फिर कंसोल में प्रिंट होंगे। तो ये मतलब होता है लेवल का, कि आपको कौन से लेवल की इंफॉर्मेशन आपको लॉक करनी है कंसोल पे या फिर फाइल में। तो यहाँ पे हमने लॉगिंग का जो लेवल हमने यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ उसको डीबग कर देती हूँ। तो बस यही इंपॉर्टेंट कॉन्फिग्रेशन है प्रॉपर्टीज में, जो भी लॉग फॉर जे को रन टाइम पे चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम प्रॉपर्टीज फाइल में सेव करते हैं। और ठीक इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक्सएमएल फाइल भी यूज कर सकते हैं, मगर आज के डेमोन्स्ट्रेशन में हम प्रॉपर्टीज फाइल ही यूज कर रहे हैं। एक्सएमएल फाइल किस तरीके से यूज करके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया सिलेंट जावा सीरीज में, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्रिएट करना है लॉगर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो लॉगर क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बेस क्लास में, क्योंकि जो भी यूजेबल मेथड्स अक्रॉस ऑल द टेस्ट सिनेरियोस उनको हम क्रिएट करते हैं बेस क्लास में, और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं बेस क्लास में, और इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो ये रही हमारी बेस क्लास, और यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक, और ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया लॉगर क्लास का। और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना था, तो इसको कर लिया हमने कॉपी, और यहाँ पे हम इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड सेव। अब हमें क्या करना, हमें यहाँ पे तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हमें इसको इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज हम करेंगे स्टेप डेफिनेशन फाइल में, ठीक है। यहाँ पे जहां भी हम सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनिशियलाइज करना है बिल्कुल एट द बिगिनिंग, बिल्कुल इनिशियल, सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना है, तो टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले हमें इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम ब्राउजर को लॉन्च कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, यहीं पे हम इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा लॉग, जो लॉगर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल्स गेट लॉग मैनेजर, आई थिंक सिर्फ लॉग मैनेजर, लॉग मैनेजर, लॉग मैनेजर डॉट गेट लॉगर, और यहां पे हमें देना है क्लास का नाम डबल कोट्स में। तो क्लास का नाम है हमारा स्टेप डेफ, तो यहाँ पे हमने क्लास का नाम दे दिया एंड लास्ट में सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे मैसेजेस लॉक कर सकते हैं। तो मैसेज लॉक करने से पहले हमने जो यहाँ पे क्लास का नाम दिया है स्टेप डेफ, इस क्लास का नाम हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइल में भी हमें मेंशन करना है, सेम यही नाम। वो कहाँ करना है, तो यहाँ पे फाइल डॉट नेम इक्वल्स, और यहाँ पे स्टेप डेफ। अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को लॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं लॉग डॉट इन्फो, और इन्फो में हमें यहाँ पे जो भी मैसेज राइट करना है वो मैसेज हम यहाँ पे डबल कोट्स में राइट कर देंगे। सेटअप वन एग्जीक्यूटेड। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो भी, जिस भी टाइप का आप मैसेज लॉक कर रहे हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन के लिए है तो आप यहाँ पे लेवल इन्फो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो मैसेज वार्निंग है तो आप वॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो एरर मैसेज है तो एरर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि किस तरह की मैसेज है, कौन सा मैसेज आप लॉक कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे लेवल चूज कर सकते हैं। अभी मोस्टली सारे इन्फॉर्म, जितने भी मैसेज हम अभी लॉक करेंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन टाइप के मैसेजेस ही हैं, तो मैं यहाँ पे इन्फो लेवल ही यूज कर रही हूँ सारे मैसेजेस में, सारे लॉग मैसेजेस में।
यहाँ सेटअप टू एग्जीक्यूटेड और यहाँ पे हम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर। यूजर लॉन्च या क्रोम ब्राउजर लॉन्च कुछ भी आप इंफॉर्मेशन लॉक कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर लॉन्च्ड, अब इसके बाद नीचे है यूआरएल ओपन, यहां राइट कर देते हैं यूआरएल ओपन। फिर यहां पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंटर, लॉग इन बटन क्लिक, फिर यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट है टेस्ट वेरिफिकेशन का पास या फेल, हम वो यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको वार्निंग ले सकते हैं या एरर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ वार्निंग इसको वार्न, और यहाँ पे हमारा मैसेज आ जाएगा पेज टाइटल नॉट लॉगिन फीचर, पेज टाइटल नॉट मैच्ड। अच्छा यहाँ पे तो मैच हो गया ना, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं, यहाँ पे मैसेज राइट कर देते हैं और यहां टेस्ट फेल। इसको कर देते हैं इन्फो, ब्राउजर क्लोज्ड, और इसको कर देते हैं लेवल इसका इन्फो, क्योंकि मैसेज तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही है। और यहां पर यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड लॉग डॉट इन्फो, यूजर कैन व्यू
डैशबोर्ड, फास्ट, इसको कर देते हैं वार्निंग एंड फेल। यूजर क्लिक ऑन कस्टमर मेन्यू, ये है इंफॉर्मेशन के लिए, तो यहां पे लॉग डॉट इन्फो, हेलो क्लिक, यहां पे भी इंफॉर्मेशन लॉक कर लेते हैं, कस्टमर मेन्यू आइटम क्लिक, क्लिक ऑन एड न्यू बटन, और यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन है तो लॉग डॉट इन्फो, पेस्ट ही कर देते हैं लॉग डॉट इन्फो, और ये वेरिफिकेशन हमारा पास हो गया, सॉरी इसको कर लिया कॉपी, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट पास्ट, और एल्स ब्लॉक में फेल। तो रन टाइम जो भी आपको एक्शंस आपको लॉक करना है वो ऐसे आप लॉक कर सकते हैं, कंसोल पे भी लॉग हो जाएगा और लॉग फाइल में भी लॉग हो जाएगा। कस्टमर इंफॉर्मेशन एंटर्ड, क्लिक ऑन सेव बटन, यूजर कैन व्यू कंफर्मेशन मैसेज पास्ट, और यहां पे फेल, फेल के केस में इसको हम वार्निंग कर देते हैं। ईमेल एड्रेस एंटर्ड, क्लिक ऑन सर्च बटन, यू शुड फाउंड ईमेल इन सर्च टेबल पास्ट, और एल्स पार्ट में यहां पे ये फेल। ये भी यहां पे एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब ठीक है, ऐसे या बाकी भी एंटर कर सकते हैं।
बाकी के जो भी हमारे स्टेप डेफिनेशन मेथड्स हैं उनमें भी आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन लॉक कर सकते हैं। अभी हमने जितना लॉक किया है मैसेज उसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक है एरर, एरर कहाँ है एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन मिस कर दिया। अभी कोई एरर नहीं है फाइल में। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए हम चलते हैं रनर फाइल में, रन डॉट जावा, और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कौन सा फीचर फाइल, लॉग इन फीचर डॉट फीचर। तो हमारा ये वाला फीचर फाइल एग्जीक्यूट होगा, लॉग इन फीचर डॉट फीचर। और इस फीचर फाइल में जो भी सिनेरियोज एट द रेट सैनिटी टैग के अंदर है वो सिनेरियोज एग्जीक्यूट होंगे। तो इस फीचर फाइल में हमारे पास एक सिनेरियो है, सक्सेसफुल लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, यही है सैनिटी टैग के अंदर। जो हमारा सेकेंड सिनेरियो है वो हमारा रिग्रेशन टैग के अंदर है। तो हमारा ये एक सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा जब हम इस रनर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो राइट क्लिक किया हमने, रन एज जे यूनिट टेस्ट, और ये टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना हो जाना चाहिए। यस, टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। एक बार हम प्रोजेक्ट को करते हैं रिफ्रेश, और ये देखिए लॉग्स फोल्डर जनरेट हो गया है, और इसके अंदर एक माई लॉग डॉट लॉग फाइल भी जनरेट हुई है। और ये जो भी हमने मैसेजेस लॉग किए थे वो सारे मैसेज यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ये था हमारा पैटर्न, DDMMYY देन आर मिनट सेकेंड टाइम के लिए, और फिर उसके बाद जो भी मैसेज हमने लॉक किया था। तो इस तरीके से हम कुकम्बर फ्रेमवर्क में हम रन टाइम इंफॉर्मेशन को हम लॉक करते हैं लॉग फॉर J2 API यूज कर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार लेवल्स का बता देती हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी तो हमने ऑल किया हुआ है सेट, इसलिए सारे ही लेवल के मैसेजेस लॉग हो रहे हैं लॉग फाइल में या फिर कॉन्सोल पे। अब हम अगर यहाँ पे हम वार्निंग सेट कर देंगे, वार्न सेट कर देंगे लेवल में, तो क्या होगा, सिर्फ वार्निंग एंड अबव, वार्निंग और वार्निंग से ऊपर एरर, फैटल, ऑफ, ये सारे मैसेजेस ही सिर्फ लॉग होंगे। एक बार करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइल में अच्छा, यहाँ पे हमने डीबग किया हुआ था, तो डीबग एंड अबव सारे लॉग हो रहे थे। तो डीबग के ऊपर इन्फो है, तो इन्फो भी लॉग हो रहा था और वार्निंग भी लॉग हो रहा था। अगर हम ट्रेस कर देंगे तो ट्रेस लॉग नहीं होगा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे हम किसी एक मैसेज में हम ट्रेस कर देते हैं, जो लेवल है वो हम ट्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेटअप वन एग्जीक्यूटेड है ना, इसको हम ट्रेस कर देते हैं। तो क्या होगा, ये वाला मैसेज लॉग नहीं होगा। अभी लॉग हुआ था ये सेटअप वन एग्जीक्यूटेड, लेकिन अब हमने चूंकि ट्रेस कर दिया और हमने लेवल में डीबग सेट किया हुआ है, लेवल में हमने डीबग सेट किया हुआ है, तो डीबग एंड डीबग से ऊपर वाले लेवल से सिर्फ लॉग होंगे, डीबग से नीचे वाले जो लेवल्स हैं वो लॉग नहीं होंगे। तो डीबग से नीचे है ट्रेस, तो ट्रेस लॉग नहीं होगा। अब हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल को कर देते हैं सेव और माई लॉग को कर देते हैं क्लोज। स्टेप डेफिनेशन को भी कर दिया हमने सेव। अब हम रन करते हैं फीचर फाइल, राइट क्लिक, रन एस जे यूनिट टेस्ट। तो ये देखिए टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार लॉग फोल्डर को रिफ्रेश करते हैं और लॉग फाइल को ओपन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ब्राउजर क्लोज के बाद यहाँ पे सेटअप वन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सीधा क्रोम ब्राउजर लॉन्च आया। ब्राउजर क्लोज के बाद यहाँ पे सेटअप वन नहीं आया दोबारा। ये हमारा जब हमने फर्स्ट टाइम रन किया था तो इतना आया था, उसके बाद सेकेंड टाइम का जो भी लॉक का इन्फॉर्मेशन है वो ये है।
तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर लॉन्च तो आया, पर उसके पहले सेटअप वन एग्जीक्यूटेड नहीं आया, क्योंकि हमने वहां पे उसका लेवल जो है, हमने मैसेज का जो लेवल है वो हमने सेट किया है ट्रेस। अब मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ, मैं इस लॉग फाइल को डिलीट कर देती हूँ। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ, राइट क्लिक, रन एज JUnit टेस्ट। तो सेटअप वन एग्जीक्यूटेड, ये मैसेज अभी लॉग नहीं होगा, क्योंकि हमने सेटअप वन एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड का जो हमने लेवल वो हमने ट्रेस सेट कर दिया है, और प्रॉपर्टीज फाइल में जो हमने लेवल सेट किया है वो हमने डीबग किया है, तो डीबग के नीचे वाले लेवल्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया फीचर फाइल का। अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं लॉग फोल्डर, और ये रहा हमारा लॉग। तो ये देखिए सेटअप वन एग्जीक्यूटेड लॉग नहीं हुआ ना। अब जब हम इसका लेवल चेंज करेंगे सेटअप वन एग्जीक्यूटेड उस इंफॉर्मेशन का, यहाँ पे अगर हम लेवल चेंज कर देंगे तो ये वहां पे लॉग फाइल में लॉग हो जाएगा। इसको मैं कर देती हूं डीबग एंड अबव। तो अगर मैं इसको फेटल कर दूंगी तब भी लॉग हो जाएगा, क्योंकि डीबग के ऊपर है फेटल, तो ये भी लॉग हो जाएगा। इसको मैं कर देती हूं फेटल। अब हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब ये लॉग होगा लॉग फाइल में, ठीक है, अब ये लॉग होगा। इस लॉग फाइल को कर देते हैं डिलीट, और अब फिर से एग्जीक्यूट करते हैं रन डॉट जावा, राइट क्लिक, रन एज JUnit टेस्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार लॉग फाइल ओपन करते हैं, तो लॉग फोल्डर को करते हैं रिफ्रेश, और ये रही हमारी लॉग फाइल। तो ये देखिए अभी आ गया ना सेटअप वन एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे देखिए लेवल भी आ रहा है फेटल इन्फो, जो भी लेवल है वो सारा आ रहा है, वार्निंग वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि वार्निंग जो है वो डीबग से ऊपर का लेवल है, वार्निंग जो है वो डीबग के ऊपर का लेवल है, इसलिए तो ये यूज होता है लेवल का। इस तरीके से हम लेवल को डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज फाइल में, और जब हम मैसेजेस को लॉक करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई भी लॉक का लेवल हम सेट कर सकते हैं। अगर वो मैसेज इन्फॉर्मेशन टाइप का है तो हम इन्फो सेट करेंगे, अगर वो मैसेज वार्निंग टाइप है तो हम वार्न कर देंगे, अगर एरर है तो हम एरर कर देंगे, अगर फेटल है तो हम उसको फेटल कर देंगे, डीबग इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम डीबग सेट कर देंगे लेवल का। तो आप कंडीशन के हिसाब से कोई भी लेवल आप सेट कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपैची लॉग फॉर जे वर्जन 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रेमवर्क में, किस तरीके से उसको हम इक्लिप्स में सेटअप करेंगे, किस तरीके से हम एपीआई को यूज करके इन्फॉर्मेशन को हम लॉग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।